नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य ओझा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एस्पिरेंट शॉर्ट जुडिशियल एंड लॉ एग्जाम्स में। अपने पिछले लेक्चर में मैंने सेल ऑफ गुड्स एक्ट के चैप्टर 1 पर चर्चा की, जो कि प्रिलिमिनरी चैप्टर है, जिसमें सेक्शन 1 टू सेक्शन 3 तक आते हैं। आज हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट के चैप्टर 2 की शुरुआत करेंगे। सेल ऑफ गुड्स एक्ट का चैप्टर 2 सेक्शन 4 से शुरू होता है और सेक्शन 17 तक जाता है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट के चैप्टर 2 में दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, जो प्रायः एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहला है कि सेल ऑफ गुड्स क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और एग्रीमेंट टू सेल क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कंडीशंस एंड वारंटीज पर। तो आज हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पर चर्चा करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को सेल ऑफ गुड्स एक्ट के सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 4 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट कहता है, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाई द सेलर ट्रांसफर्स आर एग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर ए प्राइस। मतलब अगर हिंदी में कहें तो माल विक्रय की संविदा से तात्पर्य किसी ऐसी संविदा से है जिसके माध्यम से क्रेता माल में की संपत्ति को विक्रेता को मूल्य के बदले में अंतरित करता है। अब आइए इसके एसेंशियल एलिमेंट्स पर चर्चा करते हैं। तो अगर हम सेक्शन 4 को एनालाइज करें तो फॉलोइंग एसेंशियल एलिमेंट्स सेल ऑफ गुड्स के निकल के आते हैं। पहला एसेंशियल एलिमेंट है पार्टीज। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स में 2 पार्टीज होती हैं। पहली पार्टी सेलर कहलाती है और दूसरी पार्टी बायर कहलाती है। सेलर को सेल ऑफ गुड्स एक्ट के सेक्शन 2 के क्लास 13 में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2 का क्लास 13 ये कहता है, सेलर मीन्स ए पर्सन हू सेल्स आर एग्रीज टू सेल द गुड्स फॉर प्राइस। मतलब विक्रेता वह है जो या तो वस्तु का विक्रय करता है या विक्रय करने के लिए करार करता है। दूसरा पक्षकार होता है सेल ऑफ गुड्स में बायर। बायर को डिफाइन किया गया है सेल ऑफ गुड्स एक्ट के सेक्शन 2 के क्लास 1 में। सेक्शन 2 का क्लास 1 ये कहता है, बायर मीन्स ए पर्सन हु बाइज आर एग्रीज टू बाई द गुड्स। अगर हिंदी में कहें तो क्रेता से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो कि गुड्स को क्रय करता है, माल को क्रय करता है या क्रय करने के लिए रजामंद होता है या करार करता है उसका। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंतर्गत दूसरा एसेंशियल एलिमेंट्स आता है गुड्स। हिंदी में माल कहते हैं इसे। गुड्स या माल को सेक्शन 27 में डिफाइन किया गया है। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट का सेक्शन 27 ये कहता है, गुड्स मीन्स मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। मतलब गुड्स की परिभाषा में एक्शनेबल क्लेम और मनी को छोड़ करके सभी तरह की चल संपत्तियां आती हैं। और आगे वो कहता है कि इसके अंतर्गत इंक्लूड है स्टॉक एंड शेयर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास मतलब स्टॉक और शेयर, उगती हुई फसलें और घास। और ये कहता है कि थिंग्स अटैच टू लैंड आर फार्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर एग्रीव टू बी सीवर्ड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मतलब भूमि से जुड़ी हुई या भूमि से बंधी हुई ऐसी चीजें जिनको कि विक्रय की संविदा के अंतर्गत भूमि से अलग करने का करार किया गया है, वो भी गुड्स की डेफिनेशन में आती हैं। गुड्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंतर्गत गुड्स प्रेजेंट गुड्स भी हो सकते हैं और फ्यूचर गुड्स भी हो सकते हैं। प्रेजेंट गुड्स का मतलब ये है ऐसे माल जो कि संविदा करते समय अस्तित्व में हैं, और फ्यूचर गुड्स का तात्पर्य यह है कि ऐसा कोई गुड्स जो कि एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल विक्रय की संविदा के समय तो अस्तित्व में नहीं है, लेकिन किसी निश्चित तिथि या निश्चित समय पर अस्तित्व में आ जाएगा। तो ऐसा गुड्स जो कि संविदा के समय अस्तित्व में नहीं है, जो किसी फ्यूचर डेट पर एग्जिस्टेंस में आएगा, उसको फ्यूचर गुड्स कहते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स प्रेजेंट गुड्स का भी हो सकता है और फ्यूचर गुड्स का भी हो सकता है, लेकिन
जो फ्यूचर गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एग्रीमेंट टू सेल होता है, और जब वो गुड्स एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं और सेलर द्वारा बायर को ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं तो वो एग्रीमेंट टू सेल जो है वो सेल में कन्वर्ट हो जाता है। सेल ऑफ गुड्स का तीसरा एसेंशियल एलिमेंट है ट्रांसफर और एग्रीमेंट टू ट्रांसफर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए आवश्यक है कि सेलर या तो गुड्स को ट्रांसफर करे, प्रॉपर्टी इन गुड्स को ट्रांसफर करे, या ट्रांसफर करने के लिए एग्री हो, मतलब वो वर्तमान समय में भी ट्रांसफर कर सकता है या वो इस बात पर एग्री हो सकता है कि वो किसी फ्यूचर डेट पर या किसी सर्टेन कंडीशन के फुलफिल हो जाने पर वो गुड्स को ट्रांसफर कर देगा। चौथा एसेंशियल एलिमेंट है सेल ऑफ गुड्स का प्राइस। प्राइस को डिफाइन किया गया है सेल ऑफ गुड्स एक्ट के सेक्शन 2 के क्लास 10 में। ये कहता है प्राइस मींस कंसिडरेशन इन फॉर्म ऑफ मनी, मतलब अगर किसी वस्तु के बदले में धन के रूप में उसका प्रतिफल अदा किया जाता है तो ये मूल्य कहलाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स के लिए ये भी आवश्यक है कि जो गुड्स का ट्रांसफर हो रहा है वो इन फॉर्म ऑफ मनी के कंसिडरेशन में होना चाहिए। अगर एक गुड्स के बदले में किसी दूसरे गुड्स का ट्रांसफर किया जाता है तो ये सेल ना कहला के एक्सचेंज कहलाएगा। यदि गुड्स के बदले में कुछ मुद्रा दी जाती है, कुछ पैसे दिए जाते हैं और साथ ही साथ कोई अन्य वस्तु भी दे दी जाती है तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ही कहलाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पर ये हमारा डिस्कशन आज का कंप्लीट हुआ। हमने इसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की डेफिनेशन और एसेंशियल एलिमेंट्स पर चर्चा की। आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण लगी हो, उपयोगी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, और लॉ से रिलेटेड एग्जाम्स की तैयारी करने वाले अन्य लोगों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।